अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अली फ्रॉम मास्टेक। मैं लेके आया हूँ G7 Max और ON9 लाइट के फ्रंट कैमरा और बैरियर कैमरे का रिव्यू आउटडोर लाइट में और इंडोर लाइट में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको ON9 लाइट और G7 Max आपको डे के टाइम क्या रिजल्ट देता है और नाइट मोड में क्या रिजल्ट देता है। कुछ वीडियोज़ पर बात करेंगे और कुछ बात करेंगे इसके रियर कैमरा पे। तो अगर ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करते हुए साथ ही चैनल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर आपको इस तरह की बहुत सारी वीडियोस मिल सके। अब बात करते हैं दोनों के फ्रंट कैमरे के। तो G7 Max में आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का जो कि अपर्चर है 1.9 का, और ON9 लाइट में आपको मिलता है 13+2 मेगापिक्सल कैमरा जिसका अपर्चर होता है 2.0। आप नोटिस कर रहे होंगे कि G7 Max में आपको मेरा चेहरा काफ़ी फोकस नज़र आ रहा है, मतलब उसका जो अपर्चर लेवल है वो मेरे चेहरे पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। ON9 लाइट पर आपको थोड़ा सा वार्मर डिस्प्ले नज़र आ रहा होगा, काफ़ी हद तक आपको रेडिश कलर नज़र आ रहे होंगे। और बैक साइड की बात करेंगे तो दोनों ही में आपको बैक साइड पर बैकग्राउंड क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, थोड़ा बहुत ब्लर कर रहा होगा, लेकिन दोनों तकरीबन अच्छा काम कर रहे हैं। आपको काफ़ी क्लियर रिजल्ट मिल रहा है डे लाइट में। आप थोड़ी स्टेबलाइजेशन की बात करेंगे तो आपको तेज़ चल के दिखाएंगे कि किस में स्टेबलाइजेशन बेहतर मिलती है। हमारा काम है आपको कैमरा के बारे में गाइड करना, बजट रेंज का थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन अमूमन हमारी ये वीडियोज़ हम इसलिए बनाते हैं कि आपको काफ़ी हद तक मदद मिल सके कि आपको अगर किसी शॉप पर जाते हैं वहाँ लाइट्स ज़्यादा होती हैं, आप बैलेंस नहीं कर पाते कैमरा, तो आउटडोर और इंडोर लाइट्स में आप कैमरे को बैलेंस कर सकें। और अब बात करते हैं कलर्स की, तो आप देखेंगे थोड़ा सा मैं लो लाइट में आया हूँ तो G7 Max में कलर थोड़े से डल हो गए एज़ कम्पेयर टू ON9 लाइट। ON9 लाइट में आपको अभी भी कलर नेचुरल मिल रहा है। अब बात करते हैं रियर कैमरे की, तो रियर कैमरे पर लेकर चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम ON9 लाइट के रियर कैमरे से जो है 13+2 मेगापिक्सल का, और G7 Max के कैमरे से जो है 13 मेगापिक्सल का। कलर्स G7 Max में आपको बहुत नेचुरल कलर मिल रहा है, काफ़ी फोकस मिल रहा है। ON9 लाइट में आपको नॉइस नज़र आ रहा होगा। अब फोकस देखेंगे तो आपको G7 Max में देखेंगे कलर आपको बिल्कुल ही नेचुरल मिल रहे होंगे, काफ़ी डिफरेंस है रियर कैमरे में। हालाँकि ON9 लाइट के डुअल कैमरा है बैक, लेकिन G7 Max ऑलवेज सैमसंग कैमरा पर बड़ा फोकस करता है, तो इसमें बहुत सारा आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। अब स्टेबलाइजेशन की बात करें तो थोड़ा सा आपको तेज़ चल के दिखाएंगे स्टेबलाइजेशन आपको किस में बेहतर मिलती है। स्टेबलाइजेशन आपको कुछ बेहतर मिल रही होगी ON9 लाइट में, लेकिन G7 Max भी ज़्यादा कम नहीं है स्टेबलाइजेशन में, तकरीबन दोनों ही सेम ही आपको स्टेबलाइजेशन दे रहे हैं। अब आपको लेके चलते हैं रियर कैमरा की पिक्चर्स की तरफ और सेल्फ़ी की तरफ कि आपको दोनों में डे लाइट में सेल्फ़ी और रियर कैमरा से क्या पिक्चर मिलने वाली। जी हाँ दोस्तों, हम वीडियो बना रहे हैं G7 Max से और ON9 लाइट से फ्रंट कैमरा से नाइट मोड में। हमने फ्लैशलाइट ऑन किया हुआ है G7 Max का, और आप देख रहे होंगे आपको रेजोल्यूशन कैसा मिल रहा है। काफ़ी G7 Max में थोड़ी सी नॉइस मिल रही है और आपको कलर क्लियर नज़र नहीं आ रहा एज़ कम्पेयर टू ON9 लाइट। अब हम कैमरा फ्लैशलाइट को बंद करेंगे। यह दोस्तों, अब कैमरा लाइट बंद कर दी है G7 Max की, आप बिल्कुल ही कलर डिस्टर्ब नज़र आ रहा है नाइट मोड में। आप थोड़ा सा लाइट में लेके चलते हैं आपको G7 Max के फ्रंट कैमरे में। G7 Max में मिलता है आपको फ्रंट साइड पर 13 मेगापिक्सल का कैमरा, और ON9 लाइट में आपको मिलता है 13+2 मेगापिक्सल का कैमरा। लाइट में भी आके आपको G7 Max में काफ़ी हद तक नॉइस नज़र आ रहा होगा। आप देख रहे हैं आपको बैक क्लियर नहीं नज़र आ रही होगी। स्टेबलाइजेशन देखेंगे तो आपको G7 Max में नाइट मोड में डिस्टर्ब मिल रही है। अब बात करते हैं रियर कैमरे की, तो रियर कैमरे भी दोनों का 13+1 ON9 लाइट का है 13+2 मेगापिक्सल, और G7 Max का है 13 मेगापिक्सल। यह दोस्तों रिकॉर्डिंग कर रहे हैं G7 Max के और ON9 लाइट के रियर कैमरे से, तो रियर कैमरे में आके G7 Max विनर निकलता है। आप देखेंगे लो लाइट में G7 Max बहुत अच्छा काम कर रहा है, हालांकि हमने फ्लैश लाइट ऑफ किया हुआ है बैक साइड का, लेकिन फिर भी आपको नाइट मोड में बड़ी अच्छी रेजोल्यूशन मिल रही है। स्टेबलाइजेशन की बात करेंगे तो स्टेबलाइजेशन भी आपको ON9 लाइट में काफ़ी बेहतर मिलती है एज़ कम्पेयर टू G7 Max, लेकिन कलर की देखें तो कलर आपको G7 Max में नॉइस कम देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे रियर साइड के कैमरा की, तो G7 Max में और ON9 लाइट में हमने ये पिक्चर ली थी फ्लैश लाइट ऑन करके, तो ये आपको काफ़ी बेहतर पिक्चर मिल रही है। G7 Max में नेचुरल कलर मिल रहे हैं, ON9 लाइट थोड़ा सा लो नज़र आया नाइट मोड में विद फ्लैश। आप देख रहे होंगे कि जो आपका फ्लोर है वो G7 Max में बिल्कुल ओरिजिनल कलर ही दिखा रहा है, ON9 लाइट में कलर डल कर गया। अब बात करते हैं इसके रियर साइड के विदाउट फ्लैश के कैमरा की पिक्चर की, तो इसमें आप देखेंगे इसमें भी G7 Max ने आपको बड़ा क्लियर रिजल्ट दिया, बड़ी लो लाइट इफेक्ट में था ये पिक्चर खींचना हमारे लिए।
तो इसमें आपको ऑनर नाइन लाइट के कलर बिल्कुल डल लगे, आपको नॉइस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, आपको पिक्चर क्लियर नज़र नहीं आ रही। लेकिन जेसेवन मैक्स ने आपको बैक साइड के जो लीव्स हैं वो भी क्लियर नज़र आ रहे हैं, और आपको जो फोकस किया है एक फूल के ऊपर वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब बात करते हैं नाइट मोड की सेल्फ़ी की, तो सेल्फ़ी में आपको क्लियर फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि आपको जे सेवन मैक्स में आपको बहुत ही अच्छी रेजोल्यूशन मिल रही है, बड़े क्लियर रेजोल्यूशन मिल रही है आपको। अगर ऑनर नाइन लाइट की बात करेंगे तो थोड़े से कलर डल नज़र आए, नॉइस नज़र आ रहा है। बैक साइड की अगर बात करेंगे तो बैक साइड भी आपको जे सेवन मैक्स नेचुरल कलर दे रहा है एज़ कम्पेयर टू ऑनर नाइन लाइट। तो नाइट मोड में जे सेवन मैक्स ही विनर होगा ऑल ओवर। अब बात करते हैं डे लाइट की, तो डे लाइट में आपको ये सेल्फी पिक्चर में आप नोट कर रहे होंगे कि जे सेवन मैक्स में आपको कलर काफ़ी ब्राइटर नज़र आ रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा। यहाँ ऑनर नाइन लाइट ने जे सेवन मैक्स को मात दे दी फ्रंट कैमरे में। बहुत अच्छी रेजोल्यूशन है ऑनर नाइन लाइट की फ्रंट कैमरे की, 13+2 मेगापिक्सल है। अब बात करते हैं रियर वाले कैमरे की, तो रियर वाले कैमरे में जे सेवन मैक्स बहुत अच्छी रेजोल्यूशन दे रहा है ऑनर नाइन लाइट से, लेकिन ये पिक्चर थोड़ी सी डल लाइट में ली गई, शाम का टाइम था। ऑनर नाइन लाइट काफ़ी हद तक कलर डल कर गया, लेकिन जे सेवन मैक्स में आपको कलर बहुत अच्छे मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम इन दोनों में से नंबर देंगे तो आपको 9/10 मिलेगा ऑनर नाइन लाइट और 10/10 जे सेवन मैक्स। अब बात करते हैं रियल साइड की पिक्चर की, जो हमने ऑब्जेक्ट फोकस किए कलर्स में, तो आप देखेंगे आपको इस फ्लोर के अंदर जो जे सेवन मैक्स से हमने पिक्चर खींची, इसके अंदर आपको मिलता है क्लियर रेजोल्यूशन, नेचुरल कलर जैसे ग्रीन लीफ के होते हैं वैसे ही कलर मिले। ऑनर नाइन लाइट में आपको काफ़ी ब्राइटर मिल रहा है, डिस्प्ले धुंधला मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको 8 नंबर देंगे 10 में से, और जे सेवन मैक्स को मिलेंगे डे लाइट में भी रियर कैमरे में 10/10। सो गाइस, ये था आज का हमारा एक रिव्यू कैमरे को लेके, जे सेवन मैक्स और ऑनर नाइन लाइट दोनों ही लगभग सेम प्राइस में आ रहे होते हैं मार्केट में। जे सेवन मैक्स आपको 27,000 रुपये में मिल रहा होता है, और आपको ऑनर नाइन लाइट मिलता है 25,000 रुपये की रेंज में। तो मेरा ओपिनियन जाएगा जे सेवन मैक्स की तरफ। मैं अली अब्बास, मास्टेक से मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।